गुरुजी ने एक कमेंट करी थी कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने इनकी कमेंट पढ़ी थी, तो मैंने इनसे संपर्क किया। मैंने कि गुरुजी पानी के अलावा और बताइए क्या प्रॉब्लम है, तो गुरुजी ने ये कहा था कि मुझे अभी फिलहाल में यहाँ बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, तो मैं कि गुरुजी मेरी तरफ से पानी की व्यवस्था होगी यहाँ पर। और मैं ये भी कहता हूँ गुरुजी, अगर कोई भी बच्चों को परेशानी है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। और उस फेसबुक का खुद संज्ञान लेकर नारायण जी ने मुझे अपने आप संपर्क करके ये आपके कॉलेज के लिए, आपकी संस्था के लिए वाटर कूलर, ठंडा पानी आप पी सको उसके लिए गिफ्ट किया। एक बार फिर आगे जेवर के एक इंस्टीट्यूट JIMT में बीते दिन कोर्स सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे उत्तीर्ण हुए छात्र एवं छात्राओं को सर्टिफिकेट वितरण किए गए। इस कार्यक्रम में समाज सेवी नारायण महेश्वरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिनका इंस्टीट्यूट के स्टाफ और विद्यार्थियों द्वारा स्वागत किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। गुजारिश करूंगा अरविंद जी से और तारिक जी से कि वे नारायण जी का स्वागत करें, शॉल और आकर माला पहनाकर और गमला वेट करती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में 14 अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम में ध्वजारोहण भी किया गया, साथ ही भारत माता की जय के नारे लगाए गए। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट वितरित करने के साथ साथ नारायण महेश्वरी द्वारा इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों हेतु एक वाटर कूलर और एक RO की व्यवस्था भी कराई गयी। और उस फेसबुक का खुद संज्ञान लेकर नारायण जी ने मुझे अपने आप संपर्क करके ये आपके कॉलेज के लिए, आपकी संस्था के लिए वाटर कूलर, ठंडा पानी आप पी सको उसके लिए गिफ्ट किया। एक बार फिर आगे। दरअसल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर शिवराम भारद्वाज द्वारा फेसबुक पर एक कमेंट लिखा गया था, जिसमें विद्यार्थियों हेतु पानी पीने की समस्या का विवरण किया गया था। विद्यार्थियों की समस्या को देखते हुए नारायण महेश्वरी द्वारा इस इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों के लिए वाटर कूलर और RO की व्यवस्था कराई गई है। जेवर के JIMT कॉलेज पर एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है सर्टिफिकेट वितरण का। इसी उपलक्ष्य में जेवर के संभ्रांत लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। आज हमारे यहाँ तीन तरह के सर्टिफिकेट बटेंगे। हमारे यहाँ तीन कोर्स चले थे, एक तो MLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, दूसरा स्ट्रीट फूड वेंडर का, तीसरा कोर्स चला था चाइल्ड केयर का। उन तीनों के सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे है और वो कार्यक्रम हमारा यहाँ होगा। उनसे बात करेंगे, समाज सेवी नारायण माहेश्वरी हैं। दरअसल आपको बता दूं कि इस स्कूल के लिए पानी पीने हेतु नारायण माहेश्वरी की तरफ से वाटर कूलर और RO की व्यवस्था कराई गई है। भोरे जी, वाटर कूलर की व्यवस्था कराई है आपने यहाँ बच्चों के लिए, क्या कहेंगे, कैसे आपको प्रेरणा आई इस चीज़ की? गुरु जी ने एक कमेंट करी थी कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने इनकी कमेंट पढ़ी थी, तो मैंने इनसे संपर्क किया। मैंने कि गुरुजी पानी के अलावा और बताइए क्या प्रॉब्लम है, तो गुरुजी ने ये कहा था कि मुझे अभी फिलहाल में यहाँ बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने कि गुरुजी मेरी तरफ से पानी की व्यवस्था होगी यहाँ पर। और मैं ये भी कहता हूँ गुरुजी, अगर कोई भी बच्चों को परेशानी है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि शिवराम जी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इन्हीं के द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी कि बच्चों के लिए अगर कोई दानदाता हो तो व्यवस्था कराए पानी की, तो नारायण माहेश्वरी की तरफ से व्यवस्था कराई गई है। झंडा यात्रा को लेकर लोगों में खासा जोश है, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को?
देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, आज़ादी को 75 साल होने जा रहे हैं। पूरे देश में इस झंडा यात्रा को, तिरंगा झंडा यात्रा को लेकर विशेष उत्साह है और लोगों में आज़ादी को लेकर हमारे देश के अमर शहीदों ने जो बलिदान दिए हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि करने का समय है। और मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस झंडा यात्रा में तिरंगे की सम्मान में हमेशा अपने आप को समर्पित रखें। जय हिंद, जय भारत। आज 75वां वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और मैंने ये सुना कि नारायण माहेश्वरी जी वाटर कूलर और आरओ की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे समाज सेवी के साथ में झंडा फहराने का एक अलग ही आनंद की अनुभूति मिलती है। और मैं देशवासियों को संदेश देना चाहूँगा कि हमें ये आज़ादी किसी विरासत में नहीं मिली, इस आज़ादी को शहीदों ने अपने खून से सींचा है। जलते भी गए, कहते भी गए, आज़ादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। झुक नहीं सकता जुल्म के आगे ये तिरंगा, इसके लिए तो बहा देंगे हम खून की गंगा। जय हिंद, जय भारत। नितेश छोंकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।